नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल करियर हेल्प पर। आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन आर्मी के एक रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए, ऐसे रिक्रूटमेंट के लिए वेट करे हुए हैं, उनके लिए ये रिक्रूटमेंट है। पहले ही बता दूँ, ये डिग्री कोर्स के लिए है, 12th पास जो भी है वो वीडियो ना देखे वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। और आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो होगा 12th पास 10th पास बेसिस में जो बनाऊंगा मैं, वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो इंडियन आर्मी का दो नोटिस जारी हो चुका है। एक नोटिस है इंडियन आर्मी का जो टेक्निकल एंट्री होता है ग्रेजुएट्स लेवल में, जो टेक्निकल ग्रेजुएट है उनके लिए, और एक वुमेन का वैकेंसी है। वुमेन वाला जो वीडियो है वो कुछ देर बाद आने वाला है चैनल पर। तो आज का वीडियो है टेक्निकल ग्रेजुएट के बारे में, TGC एंट्री कहा जाता है इसको इंडियन आर्मी का। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन आर्मी लिखा हुआ है, इंडियन आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये 130 इनका रिक्रूटमेंट है, 132 रिक्रूटमेंट है इनका। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है एलिजिबल अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएट किए हैं, बीटेक किया है, उन लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, नेशनलिटी आपका ऑब्वियसली इंडियन होना पड़ेगा, और भी बहुत सारा इधर दिया हुआ है। आप नोटिस डाउनलोड करके, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से नोटिस डाउनलोड करके देख सकते हैं, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उधर से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, एज लिमिट दिया हुआ है 20 से 27 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1994 एंड 1 जनवरी 2001, इनके बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इधर दिया हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जिनका बीटेक चल रहा था उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जो फाइनल ईयर दे रहे हैं, जो 8th सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में है, 4th ईयर के जो लास्ट सेमेस्टर में है, वो लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मेरे एक भैया हैं जो 4th ईयर में थे, उनका भी इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो चुका है पिछले बार में, ठीक है। ऐसे आप अगर जो कोई भी 4th ईयर में है, इंजीनियरिंग डिग्री कर रहा है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब लोग इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका जो ट्रेनिंग होगा यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होगा ट्रेनिंग। इधर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वैकेंसी के बारे में आप देख सकते हैं। जो स्ट्रीम्स आपका होगा, सिविल इंजीनियरिंग होगा, आर्किटेक्चर होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो सकता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, और टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो सकता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो सकता है, लेजर टेक्नोलॉजी हो सकता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो सकता है। इन सब स्ट्रीम पे अगर आप बीटेक कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है, आप कौन से पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कमीशन दिया हुआ है, कौन से कमीशन के अंडर आप जाएंगे, ग्रैंड ऑफ कमीशन होगा, परमानेंट कमीशन होगा, और एंटीडेट कमीशन हो सकता है। आपका जो ट्रेनिंग होने वाला है 49 वीक्स का ट्रेनिंग होने वाला है, और ये IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कंडक्ट करवाया जाएगा। नोटिस दिया हुआ है, आप ज़रूर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रमोशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप जब ज्वाइन करेंगे, आप एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करने वाले हैं, सीधा एज ए गैजेटेड ऑफिसर आप ज्वाइन करने वाले हैं। आपका पे दिया हुआ है 56 से 1,77,000 आपका जाने वाला है पे स्केल, ठीक है। इसके बाद मिलिट्री सर्विस का कुछ दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका कोर्स कैसे कैसे करवाया जाएगा वो सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अप्लाई आप कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उधर से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, आपका जो अप्लाई करेंगे, जो लोग अप्लाई करने वाले हैं उनका सब कट ऑफ निकलेगा, कट ऑफ के बेसिस में उसके बाद SSB इंटरव्यू होगा। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ SSB इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल करने के बाद सीधा आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा IMA देहरादून में। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, कैंडिडेट्स विल बी
पुट थ्रू टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर, दोज हु क्लियर स्टेज वन विल गो स्टेज टू। स्टेज वन का एक SSB इंटरव्यू होने वाला है 5 दिन का, उसके बाद और एक स्टेज टू का इंटरव्यू होने वाला है। कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय द SSB एंड डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट विल बी इशूड ज्वाइनिंग लेटर। जो लोग SSB क्रैक करेंगे और जो मेडिकली फिट पाए जाएंगे उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। इधर देख सकते हैं मेडिकल एग्जाम आपका होने वाला है। मेडिकल प्रोसेस आपका उतना हार्ड भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेरी करता है आपका मार्क्स कितना है और आप SSB इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं। आपका मेडिकल कैसे होगा वो इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन आर्मी का जो मेडिकल प्रोसेस है वो लगभग सेम होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल में, वो वीडियो आप आई बटन से या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो देख सकते हैं क्या क्या मेडिकल प्रोसेस होता है। उतना हार्ड भी नहीं होगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो चश्मा होता है चश्मा भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। और जो लोग एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो लोग जरूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फैसिलिटीज है। मैं बोलूँगा जो लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग जरूर, सब लोग आप लोग अप्लाई कीजिए। जो लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। आप लोग शेयर करेंगे तो उनके पास भी पहुँच जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा बेनिफिशियल कोर्स है आप लोगों के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं हर किसी का कमेंट का जवाब देता हूँ। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और आप अगर कोई क्वेरी हो पर्सनल मुझे बोलना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर बोल सकते हैं, यहाँ पर नीचे आ रहा होगा इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।